हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद पूनमन ब्लॉग्स। तो कैसे हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, आज मैं अपने किचन का जो वेस्ट है वो लेके आई हूँ और आज इससे मैं आपको एक और अच्छी लिक्विड फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये किचन वेस्ट है, मिक्स उसमें है, इसमें सब कुछ है दोस्तों। फलों के छिलके भी हैं, तो आपके वेजिटेबल्स के छिलके भी हैं, आपके जैसे आलू है, प्याज है, खीरा है और लौकी के छिलके, तोरी के। तो दोस्तों ये सब हैं। वैसे मेरी कोशिश ये रहती है कि जो हरे जो छिलके गाय खा लेती है मैं उनको ही देती हूँ, उसके बाद जो बचते हैं वो मैं अपने गार्डन में करती हूँ। तो ये आज मैं आपको दिखाने के लिए कि आप लोग इस तरह का यूज़ कर सकते हैं, तो ये बताने के लिए मैंने ये बना रही हूँ। अदरवाइज़ मैं ये सारे छिलके अपने गाय को ही देती हूँ दोस्तों, जो दूध जहाँ से हम लाते हैं वहाँ दे देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप इसे भिगाना है आपको, और जो भी आपके गार्डन से, घर से निकलता है, किचन से जितना वेस्ट होता है, सब आप इस तरह से भिगा के रख दीजिए दोस्तों। एक दिन दो दिन कम से कम आप इसे भिगा के रखिए। इसको भिगाने के एक है, या तो इसे सिंपल तरीके से आप यूज़ कीजिए। इसमें साथ में आप दोस्तों चाहें तो मस्टर्ड केक थोड़ा सा डाल सकते हैं। मैंने इस बार में मस्टर्ड केक का नहीं डाला है, लेकिन आप डाल सकते हैं, डालना चाहें, नहीं तो थोड़ा सा गुड़ जो होता है दोस्तों वो ज़रूर डालिए। ये क्योंकि हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है डिकम्पोज़ होने के लिए, जैसे जो ये फर्टिलाइज़र के लिए उसमें मल्टी न्यूट्रिएंट्स होता है, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उसमें जो गुड़ होता है वो बहुत काम आता है दोस्तों। तो इसलिए हम डालते हैं उसको बहुत अच्छे से, जो हमारी जो फर्टिलाइज़र बने। और एक या दो दिन आप इसे भिगा के रख दीजिए, जिससे क्या है जितना भी है आपका, ये दो दिन के बाद का देखिए दिखा रही हूँ मैं आपको, जो सारे मल्टी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने माइक्रो हैं, मैक्रो हैं, सब इस पानी में आ जाए। तो दो दिन के बाद देख सकते हैं आप, इसमें आलू प्याज के सभी चीज़ के हैं, फ्रूट्स के, तरबूज के, खरबूज के छिलके डाले हुए हैं दोस्तों मैंने इसमें। तो ये सब कुछ इसमें आपको आयरन हो गया प्लांट के लिए, पोटेशियम हो गया आपका, फॉस्फोरस हो गया, और आयरन के साथ कैल्शियम हो गया, ये सब चीज़ें आपको प्लांट्स के लिए मिल जाएगी। तो अब मैं इसको सबसे पहले छान लेती हूँ। छानने के बाद आपको बता दें दोस्तों, जैसे होता है ना 1:3 का रेशो बनाइए, एक पार्ट में 3 पार्ट पानी डालना है आपने। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको छान के अलग करती हूँ, पूरे पानी से फिल करके रख भरती हूँ फिर इसके बाद, क्योंकि ये जो होता है ये बहुत अच्छा खाद है दोस्तों। इसमें आपके पास जो है प्लांट के लिए, इस टाइम जितनी गर्मी पड़ रही है दोस्तों, हमारे इधर बारिश भी नहीं हो रही है, एक दिन बारिश हुई है परसों थोड़ा रात को, अदरवाइज़ बारिश नहीं हो रही है, एकदम धूप इतनी तेज़ है कि प्लांट एकदम सूख जा रहा है। जैसे पानी दे रहे हैं आपको, शाम तक देखेंगे तो प्लांट में बिल्कुल पानी नहीं दिखाई देगा। तो ये आपने क्या करना है, इसमें ये डालना है, और इसके बाद देखिए 1 टाइम ये है, तो 1:3 का रेशो में बनाएंगे इसको, और इसको मैं बाकी जो है पानी से फिल कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो है बहुत वो नहीं बनाना है हमें, इसे थिक हल्का लाइट बनाना है। तो लाइट बनाने के लिए हम इसमें 3 पार्ट पानी का डाल देंगे, जिससे क्या है ये फिल हो जाए, और हर एक प्लांट को आप दीजिए। तो इस तरह के देखिए कितने टाइप के मैं मल्टी न्यूट्रिएंट्स का जो ये फर्टिलाइज़र है बनाती रहती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ दोस्तों। तो आप भी कर सकते हैं, इस तरह के बनाइए अपने प्लांट को हेल्दी रखने के लिए। मेरे तो देखिए इस तरह से पूरे हरे प्लांट रहते हैं, हरे भरे पत्ते, सूख थोड़े बहुत क्यों नहीं सूखते दोस्तों, सूखते हैं, लेकिन ज़्यादा मेरा जो गार्डन में आपको हरा दिखाई देगा, सारे प्लांट अच्छे हैं, हेल्दी है, और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये सब काम हमें करना है अपने प्लांट के साथ, तभी हमारा प्लांट क्या है हेल्दी ग्रो होगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये डाल दिया है बना के, अब मैं क्या करूँगी प्लांट में डालूँगी। तो प्लांट में डालने से पहले देखिए आप मेरे प्लांट को, सभी प्लांटों को देखिए कितने अच्छे से हेल्दी ग्रो रखें। तो मैं पहले प्रैक्टिकली करती हूँ दोस्तों, उसके बाद आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जो भी मैंने ट्राई किया होता है। तो देखिए जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले आप क्या करा कीजिए, थोड़ा सा गार्डन की सॉइल को पहले पूरा दिन भर सूखा रहने दीजिए। सुबह के टाइम जैसे गुड़ाई कीजिए थोड़ा सा, और मिट्टी को दिन भर सूखा रहने दीजिए। सूखा रहने से क्या होगा, आपके जितना भी आप उसे सॉइल सूखेगी उतने अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो पानी में जो उसे मल्टी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उसको भी वो बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब करेंगी रूट्स, और रूट्स हेल्दी होंगी तो अपना वो प्रोसेस पूरा प्रॉपर अच्छे से करेंगी, पूरे मिनरल्स, विटामिन, जो भी आपके प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलेंगे, तो प्लांट आपका हेल्दी ग्रो होगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरा गुलाब के पत्ते देख रहे हैं, इस टाइम पे जल जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरह की टिप तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये जो होती हैं प्लांट के बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, प्लांट की फ्लावरिंग भी अच्छे से नहीं होती है, ऊपर से प्लांट हेल्दी भी ग्रो नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आप अपने प्लांट की इस तरह से ट्रिमिंग करते रहा कीजिए, घास होता है कुछ होता है सब निकालते रहिए, फिर उसमें अच्छे से गुड़ाई कीजिए, गुड़ाई करने के बाद सॉइल को दिन भर सूखा रहने दीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है
है, शाम के वक्त पानी डालना है, और वो भी यही पानी जो मैंने बनाया है, मल्टी न्यूट्रिएंट से रिच पानी। इस तरह का पानी बना के जब आप अपने प्लांट को देंगे तो देखेंगे आप अपने प्लांट हफ्ते भर में ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, क्योंकि प्लांट आपका हेल्दी ग्रो होगा और बहुत अच्छा सा आगे के लिए फिट होगा। ये जो मई जून का महीना है उसे काटने में आसानी होगी, और जिससे क्या है आगे के लिए वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और प्लांट हेल्दी होगा। जब प्लांट आपका हेल्दी होगा तो नेचुरली आपके प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से और बहुत ही बेस्ट फ्लावरिंग होती है दोस्तों। तो आपको यही काम करना है। देखिए इस तरह से मैंने पहले पूरी गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई करने के बाद क्या होता है, एयर सर्कुलेशन, नीचे तक एयर जाती है, तो प्लांट को जब अच्छे से एयर होगा तो एयर जाएगी तो प्लांट क्या है आपका अच्छे से सॉइल जो होती है मतलब एयर ले लेगी, तो अच्छे से हेल्दी जो हम फर्टिलाइज़र देंगे उसको, लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी। तो ये काम हमें करते रहना चाहिए। गुड़ाई का काम तो हफ्ते भर में एक बार करिए। तो मैं आपको एक प्लांट में करके दिखा रही हूँ दोस्तों, लेकिन आपने हर एक प्लांट में करना है। हफ्ते हफ्ते दिन में कम से कम गुड़ाई किया कीजिए। तो और इस तरह से जब वो पानी वो हो जाए, मिट्टी हो जाती है, उसके बाद हमें पानी डाल देना है इसमें। तो पानी डालूंगी मैं, आपको दिखाऊंगी ये सारे प्लांट में डाल के। तो मैं तो कभी क्या करती हूँ, एक पोर्शन ले लेती हूँ कि एक पोर्शन में कभी मैं बनाना की फर्टिलाइज़र देती हूँ, कभी मैं वेजिटेबल का देती हूँ, कभी फ्रूट्स का फर्टिलाइज़र देती हूँ लिक्विड फॉर्म में बना के। आजकल क्योंकि सॉलिड फर्टिलाइज़र मैं दे चुकी हूँ दोस्तों एक बार, इसको मुझे बार बार नहीं देना है, एक बार मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी। तो मुझे अब इस टाइम में अब मैं हर एक सब्जियों का हो गया, चाहे गोबर का होता है जो हमारा काउडंग केक बनाया होता है उसका बना के देती हूँ, तो ये फर्टिलाइज़र मैं देती ही रहती हूँ प्लांटों किसी ना किसी फॉर्म में। उससे हमारा प्लांट क्या होता है, हेल्दी ग्रो होता है और उसमें ठंडक बनी रहती है दोस्तों। प्लांट्स के रूट में अगर ठंडक रहेगी तो प्लांट हमारा हेल्दी ग्रो होता है। अगर रूट्स गर्म होती है प्लांट की तो वो प्लांट दिक्कत करता है। तो दोस्तों ये जून का मंथ है जो हमें इसे प्लांट को अच्छे से ये मतलब इस गर्मी को काट सके प्लांट, तो उसके लिए उसको हमें ये देना है। जून का मंथ स्टार्ट हो चुका है आपको पता है दोस्तों, तो आपको ये फर्टिलाइज़र बना के देते रहना है अब, और जब तक खासकर बरसात शुरू नहीं होती दोस्तों। जैसे ही बरसात शुरू होगी उस टाइम पर आप चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र बंद कर दीजिएगा, क्योंकि प्लांट का जो रेनी सीज़न होता है उस टाइम पर प्लांट की ग्रोथ का टाइम होता है, और जो बारिश का पानी होता है उससे उनको जो है अपना आप नाइट्रोजन मिल जाता है प्लांट को। तभी आपने देखा होगा आपके प्लांट कितने हेल्दी ग्रो हो जाते हैं उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं प्लांट। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बारिश के पानी से उन्हें नाइट्रोजन मिलता रहता है। तो अब मैं क्या करूँगी दोस्तों, देखिए आपके सामने मैंने आपको करके दिखा दिया है इस तरह से, और आप इसमें क्या है सूखे पत्तों की मल्चिंग भी कर सकते हैं दोस्तों धूप में वो करने के लिए। आपके साथ मैं शेयर करूँगी ये भी कि आप कैसे किस तरह से अपने प्लांट को सेव करने के लिए किस तरह से मल्चिंग कर सकते हैं, किस किस चीज़ की, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो फिलहाल देखिए इस तरह से कर दिया है मैंने। अब मैं क्या करूँगी इसमें जो है पानी डालूँगी दोस्तों, पानी डाल के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि देखिए इस तरह से हरे पत्ते हैं, नहीं तो आजकल आप देखेंगे कईयों के पत्ते भी जल रहे हैं दोस्तों। लेकिन मेरे प्लांट में एक भी पत्ता नहीं जल रहा है, देख रहे हैं ना आप। तो कैसे है उसका कारण मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो मैं ये फर्टिलाइज़र देती हूँ वो है, और सुबह शाम पानी की मिस्टिंग भी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि पानी की मिस्टिंग हम करते रहते हैं तो जिसकी वजह से क्या है हमारा प्लांट हेल्दी ग्रो होता है, और ऊपर से जो धूप की इतना धूप की जो तेज़ किरणें आती हैं पड़ती हैं प्लांट में हमारे, तो वो प्लांट उसको झेल पाता है, उससे ख़राब नहीं होता है दोस्तों। तो ये काम हमें करते रहना चाहिए जिसकी वजह से क्या है हमारा प्लांट ठीक से चल पाए। तो देखिए मैंने आपके सामने दिखा दिया है सब कुछ, आपको अपना इस प्लांट के बारे में सब कुछ बता भी दिया है दोस्तों कि हमें कैसे करना है। तो अब मैं पानी को डालती हूँ और आपके साथ में शेयर भी करती हूँ कि आप भी कैसे डालेंगे। तो इस तरह का फर्टिलाइज़र भी बनाइएगा आप दोस्तों। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप मेरे पुराने दोस्त हैं तब तो आपको पता ही है फ्रेंड कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और कोई क्वेरी है अगर आपकी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो देखिए
अब ये पानी जो मैं डालूंगी ना दोस्तों, ये पानी सिर्फ इसी के लिए अच्छा नहीं है, सारे प्लांट्स के लिए बेहतरीन पानी है दोस्तों। ये आप हर एक प्लांट को ये पानी दे सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरा भर के ये पानी बना दिया है, और अब मैं सिर्फ एक इसी प्लांट को ये पानी नहीं दूंगी दोस्तों, ये पानी मैं हर एक प्लांट को दूंगी, क्योंकि ये पानी बहुत ही अच्छा पानी है, खाद का पानी है जो बना रखा है, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हम ये इधर कूड़े में फेंक देते हैं वो पानी, उसको हमने कूड़े से मतलब समझो सोना लिया है अपने प्लांट के लिए। तो आप देखिए इस तरह से पानी डाल रही हूँ ना मैं, पानी भी उतना डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं कि वो नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, क्योंकि वो भी हमारे वेस्टेज है पानी की, तो ऐसा भी नहीं हमें करना है। हमें जो भी हम पानी दे रहे हैं उतना पानी बना के दीजिए जितना एक्स्ट्रा ड्रेन आउट ना हो। तो ये पानी मैं एक इसी में नहीं दूंगी दोस्तों, सभी प्लांट्स के लिए ये पानी बहुत अच्छा है, और हर एक प्लांट को मैं ये पानी दूंगी। ये फर्टिलाइज़र जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र हर एक प्लांट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और देख रहे हैं मैं सभी प्लांट को ये पानी देते जा रही हूँ जिससे कि मेरा प्लांट हेल्दी ग्रो हो और आने वाले वक्त में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करे, फूलों से भर जाए मेरा प्लांट। इसलिए ये काम मैं सभी प्लांटों के साथ, चाहे वो मेरे परमानेंट प्लांट हैं चाहे फ्लावरिंग प्लांट हैं दोस्तों, सभी को मैं ये खाद जो है देती हूँ। तो आप भी ये काम कीजिएगा और गार्डनिंग को एंजॉय कीजिएगा और अपने प्लांट को ऑब्जर्व करते रहिएगा दोस्तों, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपके प्लांट में क्या दिक्कत हो रही है। अगर कोई दिक्कत है तो आप उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मुझे, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। देख रहे हैं पत्ते कैसे जल रहे हैं दोस्तों, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, पानी की मिस्टिंग ज़रूर करते रहना है। पानी की मिस्टिंग से क्या होता है, हमारा प्लांट सेफ रहता है और धूप को फेस कर पाता है दोस्तों। तो देखिए ये मेरा बोगनविला है, यह देखिए यहाँ पे तुलसी मेरी अपने आप से हो रखी है, और इसमें फ्लावरिंग होने वाली है बोगनविलिया में। तो यहाँ देखते रहिए, ये सब प्लांट में मैं दे रही हूँ, टिकोमा में दे रही हूँ दोस्तों, हर एक प्लांट में मैं ये खाद देती जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी खाद है दोस्तों। एक या दो दिन रखिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते रहिए मेरे गार्डनिंग को और इन्जॉय करते रहिए, और जो जो इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको लग रही है वो भी आप लोग भी अपनाइएगा उन टिप्स को, क्योंकि वो बहुत ही फ़ायदेमंद टिप्स हैं और आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। तो देखो पानी हो गया ना फुल करके मैंने रख दिया है, और ये आराम से धीरे धीरे क्या है इसकी जड़ें सोख लेंगी और प्लांट को पूरा देंगी। देखिए ये भी कितने अच्छे से हरा हो रखा है पूरा, कोई एक पत्ता आपको जला हुआ नहीं दिखाई देगा दोस्तों। तो आप भी ज़रूर अपनाइएगा, ये मैंने प्रैक्टिकली खुद अपने प्लांट्स के साथ करके आपको देखो तब मैं आपको बता रही हूँ, तो इसलिए ये बहुत कारगर तरीका है इस टाइम पे अपने प्लांट्स को बचाने का। तो आप भी अपनाइएगा जिससे आपके प्लांट हेल्दी ग्रो होंगे और इस तरह की जो है प्रॉब्लम को फेस कर पाएँ। तो देखिए कितने हरे भरे हैं मेरे प्लांट, तो सबके साथ मैं करती हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलूँगी आपसे एक अच्छी सी नई सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय फ्रेंड्स।